Hello students, I am Parmar, in today's lecture for class 11, chapter number 6, work, energy and power, lecture number 9, in today's lecture, we discuss a last topic of this chapter is elastic collision in two dimensions. In this lecture, we discuss elastic collision in two dimensions. Now, in previous lecture, we discussed about elastic collision in one dimension. नाउ हियर व्हाट इज डिफरेंस इन की इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन द ऑब्जेक्ट इज मूव इन टू डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन होने के बाद जो बॉडी है वो दो अलग अलग डायमेंशन में मूव करेगी ए सोन इन फिगर सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम वन दिज एम वन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ फेलोसिटी ऑफ वेक्टर वी वन कोलाइट इलास्टिकली विथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ये रेड कलर से इंडिकेट है वो है मास एम वन उसकी वेलोसिटी है वेक्टर वी वन वो ब्लू कलर की जो बॉडी है वो एम टू उसकी जो वेलोसिटी वो स्टेशनरी है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी टू इज इक्वल टू जीरो है और उसका मास एम टू है आफ्टर द कोलिज ऑन धिस ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन मेकिंग विद एंगल थीटा वन एंड थीटा टू विथ एक्स एक्सिस विथ द वैलोसिटी ऑफ वैक्टर वी वन डैश एंड वैक्टर वी टू डैश रिस्पेक्टिवली यहाँ पे वी वन वैलोसिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एम वन है वो एम टू मास वाले ऑब्जेक्ट और जिसकी पोजिशन स्टेशनरी है वैक्टर वी टू जीरो है उसको कोलिजन होने के बाद वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं तो ये केस को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर यहाँ पे एम टू वी टू वैक्टर क्यों नहीं लिखा है वी टू की वैल्यू जीरो है तो एम टू वी टू वैक्टर के आंसर जीरो होगा इसलिए हमने सिर्फ लिखा है एम वन वी वन वैक्टर इज इक्वल टू एम वन वी वन वैक्टर डैश प्लस एम टू वी टू वैक्टर डैश इक्वेशन नंबर वन नाउ इक्वेटिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एम वन वी वन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है थीटा है तो हम लिखेंगे एम वन वी वन इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू डैश कॉस थीटा टू सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है साइन थीटा तो वहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मूव आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है जो डायरेक्शन में मूव करा एक्स डायरेक्शन में है वाई डायरेक्शन में उसकी कोई मोशन है नहीं मतलब कि वाई डायरेक्शन में जो भी कम्पोनेंट है वो ज़ीरो है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जो एक्स डायरेक्शन में है उसके लिए ये लिखा है एम वन वी वन इजिकल टू एम वन वी वन थीटा वन प्लस एम टू वी टू डैश थीटा टू वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा है लेकिन उसमें जो मोमेंटम है वो कितनी है मोमेंटम है वो जीरो है तो जीरो इक्वल टू एम वन वी वन डैश साइन थीटा वन माइनस एम टू वी टू साइन थीटा टू सिंस द कोलिजन इन इलास्टिक

एंड वी वन डैश वी टू डैश थीटा वन थीटा टू आर टू बी डिटरमाइन तो यूजली हमको एम वन की वैल्यू पता है एम टू की वैल्यू पता है वी वन की वैल्यू पता है और वी वन डैश वी टू डैश थीटा वन थीटा टू हमको फाइंड आउट करना है बट वी हैव ओनली थ्री इक्वेशन या इक्वेशन नंबर सिक्स पॉइंट नाइन पॉइंट टू थ्री फोर जो हमने आगे के में डिस्कस की थी फोर फोर दस फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एटलीस्ट वन ऑफ द फोर इज अनोन क्वान्टिटी मस्ट बी नोन तो ही हम बाकी के जो तीन इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं अभी उसके बेस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि जो ये थियरी है उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियरली समझ सके यहाँ पे क्या है क्वेश्चन अ बॉल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी वन डी है हमको ट्वेल्व मीटर पर सेकंड कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल मतलब कि जो एम वन है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी वन ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड है जो दूसरी बॉडी है वो स्टेशनरी है मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी टू क्या कंसिडर करेंगे स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी जीरो आफ्टर द कोलाइडिंग दे मूव इन एक्स वाई प्लेन एस सोन इन फिगर यहाँ पे फिगर हमको दी गई है यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी वी वन ट्वेल्व मीटर पर सेकंड है वो एम टू मास वाले बी बॉडी से कोलाइड हो रही है और आफ्टर द कोलिजन वो ए बॉडी इधर और बी बॉडी ये डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ उनकी जो वेलोसिटी है वो वी वन डैश वी टू डे से Find out the speed of स्पीड ऑफ after बॉल आफ्टर also decide whether डिसाइड वेदर is elastic or not हमको दो चीज फाइंड आउट करनी है उनकी जो स्पीड है बॉल की आफ्टर कोलिजन कितनी होगी और ये जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है या नहीं वो हमको फाइंड आउट करना है फॉर द सॉल्यूशन लेट द मास ऑफ ईच बॉल बी एम यहाँ पर मास हमको देन दिया है तो हम लिखेंगे कि मास ऑफ ईच बॉल कंसिडर करेंगे एम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो डेट एम वी वन एम वन वी वन लिखेंगे लेकिन आ, मास सेम है तो क्या लिखेंगे एम वी वन इज इक्वल टू एम वी वन डैश कॉस थर्टी यहाँ पे थीटा कितना है थर्टी दिया है थीटा की जो वैल्यू है थर्टी थर्टी है एम वी वन डैश कॉस थर्टी प्लस एम वी टू कॉस थर्टी इक्वेशन वन और जो दूसरी बॉडी है उसकी जो मोमेंटम क्या है जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू एम वन एम वी वन डैश साइन थर्टी प्लस एम वी टू डैश साइन थर्टी ओके डैट्स वाई वी वन डैश इज इक्वल टू वी टू डैश गिव दम इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी कैन राइट एट ही ट्वेल्व यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी वन क्या है ट्वेल्व इज इक्वल टू मास सब में सेम है ओके इज इक्वल टू टू वी वन डैश प्लस रूट थ्री बाय टू सो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ वी वन डैश वी वन डैश इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन रूट थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू फोर अंडर रूट थ्री मीटर पर सेकंड फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस वी वन डैश आफ्टर कोलिजन जो बॉल मूव करेगा उसकी जो हमको मिली वो क्या है ट्वेल्व अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू फोर अंडर रूट थ्री मीटर पर सेकंड नाव फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो हमको मालूम है क्या है के वन इज इक्वल टू वन हाफ़ एम वी स्क्वायर नाव के वन एम वी कितनी है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड है तो के वन की वैल्यू क्या मिलेगी सेवेंटी टू जूल मिलेगी ओके नाव द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये पहले हमने बिफोर कोलिजन निकाली अभी आफ्टर कोलिजन के टू की वैल्यू वन हाफ़ एम वन वी वन एम वी वन डैश स्क्वायर प्लस वन हाफ़ एम वी टू डैश तो वन हाफ़ एम कॉमन वी वन डैश स्क्वायेर प्लस वी टू डैश स्क्यर की दोनों के वैल्यू क्या है फोर्टी एट फोर्टी एट ओके तो के टू okay? की वैल्यू हमको मिलेगी फोर्टी एट जूल ओके फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव यहाँ पे के वन की वैल्यू के टू की वैल्यू से ग्रेटर देन के वन टू है के टू फोर्टी एट है यर के वन इज़ ग्रेटर देन के टू सो वी कैन से डेट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो हम क्या लिखेंगे दिस कोलिजन इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन सो वी कैन से दैट दिस इलास्टिक दिस कोलिजन इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन एंड जो वी वन डेस्क की आफ्टर कोलिजन वी वन डेस्क की जो वेलोसिटी है वो फोर हंड्रेड रू थ्री मीटर पर 403 मीटर पर सेकंड जितनी होगी ओके आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ एट लास्ट वी समराइज टू डेज लेक्चर हमने जो आज क्या चीज सीखी इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, अ बॉडी ऑफ मास एम वन मूविंग विथ वेलोसिटी वी वन कोलाइट विथ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास एम टू इलास्टिकली then they move with velocity of v1 dash and v2 dash making with angle theta1 and theta2 with a direction of v1 then we have the equation that for body 1 m1 v1 is equal to m1 v1 dash cos theta1 plus m2 v2 dash cos theta2 and for body 2 it is stationary that's why we take as a zero 0 is equal to m1 v1 dash sin theta1 minus m2 v1 dash sin theta2 एंड एम वन वी वन स्क्वायेर इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश स्क्वायेर प्लस एम टू वी टू डैश स्क्वायेर ये जो तीन इक्वेशन है हमने अभी ये एग्जाम्पल में यूज किए ताकि उसका जो प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करना है वो भी हमने यहाँ पर देखा है सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल थैंक यू थैंक यू वेरी मच